हेलो फ्रेंड्स, डीसी शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, नंबर लाइन। यानी आज के वीडियो में आप नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने एक क्या करी है, नंबर लाइन को ड्रॉ करा। तो सबसे पहले इसके सेंटर में क्या आता है, ज़ीरो आता है। उसके बाद इस पर पॉजिटिव भी आते हैं नंबर और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि इधर यहाँ पर अगर सेंटीमीटर हम देख रहे हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर वन आ जाता है, फिर टू आ जाता है, फिर थ्री आ जाता है। ठीक है, इस साइड क्या आते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये भी जाती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। यानी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोई नंबर दे दिया जाता है कि उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है 5 and 1/4, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है करना है। ठीक है, अब देखिए आप, यानी आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि आपकी नंबर लाइन यानी 5 पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, 5 तो आपको दिख रहा है, लेकिन आगे मिक्स फ्रैक्शन का भी दे रखा है, 1/4 फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी ये पूरा ही फ्रैक्शन में दे रखा है। अब आप देखिए इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए आप। अब देखिए, मैं इतनी बड़ी नंबर लाइन नहीं बना रहा हूँ, यहाँ मैं 5 दे रखा है, यानी 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए 5 से आगे क्या आता है, 6 आता है, यानी आपकी नंबर लाइन जो है वो 6 पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे हम ड्रॉ नहीं करें, हमको जितना चाहिए उतना ही हम यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए 5 तो आपको दिख गया कि 5 ये है, लेकिन 1/4 भी तो है इसके साथ। अब 1/4 को हम कहाँ पे करेंगे ड्रॉ, चलिए अब आप देखिए कि 1/4 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला आता है, उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम, देखिए ये है सबसे पहला, फिर इसको हम लिखेंगे, 1/4 है तो इसको हम लिखेंगे 0/4। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1/4, फिर आ जाएगा आपके पास 2/4, फिर आपके पास आ जाएगा 3/4, और उसके बाद लास्ट वाला आपके पास आ जाएगा 4/4। ठीक है, अब आपका 1/4, आपका 1/4 ये रहा, यानी आपको यहाँ पर लिख देना है 5 and 1/4। ठीक है, यानी हम इसको फर्स्ट में 6 नहीं लिखे, और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी 5 से आगे हमारे पास 6 ही आ रहा है। और इसकी अगर कटिंग करके देखते हैं, 4 से 4 कट गया यानी 1 आ गया, यानी 5 में 1 और आगे बढ़ गया यानी 6 ही आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 and 5/6, यानी अब इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी आपकी नंबर लाइन 4 से शुरू होगी। ठीक है, और ख़त्म कहाँ पर होगी, 5 पर होगी, आपको पता ही है 5 पे ख़त्म होगी, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, आगे वाले फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, इसको लिखेंगे हम 0/6। नेक्स्ट को हम लिखेंगे 1/6, नेक्स्ट को लिखेंगे 2/6, फिर आ जाएगा आपका 3/6, फिर आएगा आपके पास 4/6, फिर आएगा आपके पास 5/6, और लास्ट आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये लास्ट आपके पास आ जाएगा 6/6। ठीक है, जैसे ही आपके इस तरीके से आ जाए आपको रुक जाना है। ठीक है, अब आप देखिए आपका क्या है, 5/6, ये रहा आपका 5/6, तो आपका आंसर यही आ गया, आपका आंसर यानी 4 and 5/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको हमने 4 लिखा है, अब 6/6 कितना होता है, 1 हो गया, यानी 4 से 1 आगे बढ़ गया, यानी यहाँ पर हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं, यानी लिखना है 5 आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम नंबर लाइन को इजीली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।